आखिर क्यों ना मिले भ्रष्टाचार को बढ़ावा? यह इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत होने के बाद भी जिम्मेदार जांच में लेट लतीफी करते नजर आते हैं और बार बार शिकायतकर्ता को कार्यालय के चक्कर लगाना मजबूरी बन रहा है। आखिरी में शिकायतकर्ता हताश हो जाता है और फिर जांच गुमनामी और शिकायती आवेदन विभागीय कागजों में दब जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों के हौसले फिर बुलंद हो जाते हैं और शासन की राशि को पलीता लगाने में संबंधित लग जाते हैं। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा जनपद कार्यालय से जुड़ी ग्राम पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच में जिम्मेदार कार्यवाही करने में गुरेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुरल्ला में बिना बच्चों के संचालित स्कूल के नाम पर उस स्कूल परिसर में करीब 12 लाख से अधिक रुपए की बाउंड्री वॉल निर्माण कर दिया। वहीं हमीरपुरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमलाथा मार्ग पर मनरेगा के तहत मिली मंजूरी से अतिरिक्त सड़क निर्माण कर दिया गया, जिसके जिम्मेदारों ने जिले से स्वीकृति लेना ही उचित नहीं समझा। हालांकि इस काम को अंजाम देने में सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, इंजीनियर सहित अन्य सत्ताधारी व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर लाखों रुपये का बाले बाले निर्माण कर दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायतें थी वो विभिन्न ग्राम पंचायतों के संबंध में थी और सीओ जनपद से संबंध में बात की गई। उनके द्वारा चर्चानुसार यह बताया गया कि निर्वाचन की चूँकि व्यस्तता थी और अब निर्वाचन की व्यस्तता नहीं है और वो एक दो दिन में इसकी जो है रिपोर्ट मुझ तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो भी उसमें जांच में निकलेगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। उसका प्रस्ताव भी जो है वो आदरणीय सीओ जिला पंचायत साहब को प्रेषित किया जाएगा। सर भाई चुनाव में निरस्त हो चुके हैं, काफी टाइम हो गया। हाँ, संज्ञान में है पूरा विषय और चूंकि निर्माण से संबंधित शिकायत है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और निर्वाचन की व्यस्तताएं भी थी। इन्हें दो दिन का समय दिया गया सीओ जनपद को कि वो तत्काल जो है इसकी जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें। वो मैंने एपीओ से और एई से जांच करवाई है, लगभग जांच पूरी हो चुकी है, एक दो दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जो आवश्यक होगा उस पर वो रिपोर्ट आने पर बता पाऊंगा। रिपोर्ट आ जाएगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आवश्यक अगर पाया गया गलती। देरी क्यों हो रही है? बीच में चुनाव का काम था, उसके बाद स्वाभाविक तौर से दूसरे काम भी बहुत सारे होते हैं। कितने जन जांच कर रहा सर इस विषय? अधिकारी एपीओ हैं, एई हैं। सर कौन कौन है? पीसीओ हैं। पीसीओ, एई, एपीओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।